के लिए नॉर्मन विंसेंट पिले की बुक सिक्स एटीट्यूड ऑफ विनर की समरी लेकर आया हूँ। दोस्तों, इस बुक को पढ़कर आप पॉजिटिव और खुद को बेहतर बना सकते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आगे आने वाली सभी वीडियो से फायदा उठा सके। दोस्तों, अगर आप जॉब करते हैं तो आपके लिए एक बोनस टिप्स इस वीडियो में अवेलेबल है, जिसे आप इस वीडियो को लास्ट में देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो बिना किसी देरी की करते हैं काम की बात। पॉजिटिव, कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं है कि सुलझाई ना जा सके। दोस्तों, दो सेल्समैन थे, उनमें से एक को ऐसा इलाका दिया गया जिसमें कंपनी का कारोबार बहुत मंदा था। इस इलाके के बारे में सभी लोग कहते थे कि इस इलाके में बिजनेस की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। जब फर्स्ट सेल्समैन उस नए इलाके में गया तो वह इस बात को पूरी तरह मानते हुए गया था कि वहाँ कोई कारोबारी संभावना नहीं है। उसने मन ही मन सोचा कि जब कुछ हो ही नहीं सकता इस इलाके में तो खुद को परेशान क्यों करना, और उसने कंपनी छोड़ दी। उसने इस बात को आंख मूंद कर मान लिया था कि वहाँ कोई अवसर मौजूद नहीं था। इस तथ्य के प्रति उसका नजरिया निगेटिव था तो रिजल्ट भी निगेटिव ही मिला। सेकेंड सेल्समैन जो कि फॉरनर था, उसे इस इलाके के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। किसी ने भी उसे यह नहीं बताया था कि वहाँ बिक्री की कोई संभावना नहीं है, इसलिए वह काम में जुट गया और ढेर सारा सामान बेच डाला। और उसने आश्चर्य से कहा, अरे वाह, यह तो सोने की खान है जिसकी आज तक खुदाई नहीं हुई है। उसकी सोच पॉजिटिव थी, इसलिए उसने उस इलाके में भारी सफलता पाई। दोस्तों, दूसरे सेल्समैन का सकारात्मक मानसिक नजरिया इतना गहरा था कि अगर किसी ने उसे पहले भी यह बताया होता कि यह एक बुरा इलाका है तो इस बात पर वो यकीन नहीं करता। वो करता भी क्यों, वहाँ लाखों लोग रह रहे थे, उन्हें उसके प्रोडक्ट की जरूरत थी और वह प्रोडक्ट देने के लिए वहाँ मौजूद था। उसका नजरिया पॉजिटिव था, इसलिए वह एक सफल इंसान बना। दोस्तों, ऑथर हमें पॉजिटिव मानसिक नजरिया डेवलप करने के लिए 3 स्टेप बताते हैं। नंबर 1, प्रतिक्रिया ना करें बल्कि सोचें। दिमाग जब गर्म होता है तो यह सोच नहीं सकता है, दिमाग जब ठंडा होता है तभी यह ऐसे लॉजिकल और फैक्चुअल विचार सोच सकता है जो सॉल्यूशन की ओर लेके जाते हैं। इसलिए खुद को भावनाओं के आवेश में आने की इजाजत ना दें। सोचे, वास्तव में आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, इसे हमेशा डिसिप्लिनरी कंट्रोल में रखें। दोस्तों, दिमाग जब ठंडे अंदाज में काम करता है तभी हमें विचार मिलते हैं, वरना आवेग मिलते हैं, और इन दमदार विचारों से हम समस्या को सुलझा लेते हैं। नेक्स्ट, कैसे सोचने वाले बने। कैसे सोचने वाले इंसान के सामने जब कोई मुश्किल आती है तो वह उसकी चीर फाड़ करने में अपना एनर्जी बर्बाद नहीं करता। वह तुरंत बेस्ट सोल्यूशन की तलाश करने लगता है, क्योंकि वह जानता है कि हर समस्या का समाधान हमेशा होता है। वह खुद से पूछता है, मैं क्रिएटिव तरीके से इस विपत्ति से कैसे लाभ ले सकता हूँ, मैं इसमें से कोई अच्छी चीज बाहर निकालने का काम कैसे कर सकता हूँ। इसलिए दोस्तों, कैसे सोचने वाला इंसान समस्याओं को प्रभावी ढंग से सुलझा लेता है, क्योंकि वह जानता है कि हर मुश्किल में कोई ना कोई महत्वपूर्ण चीज छिपी होती है। वह निरर्थक अगर मगर में समय बर्बाद नहीं करता, बल्कि सीधे क्रिएटिव कैसे पर काम करने लगता है। दोस्तों, अगर आपके लाइफ में कोई समस्या आती है तो आप उस प्रॉब्लम को एनालाइज कीजिए और उसे टुकड़ों में डिवाइड कर लीजिए। फिर एक कागज पर इसके सभी पहलुओं को लिखिए और सबसे पहले सबसे आसान हिस्से को अलग कर लीजिए और इसको सुलझा दीजिए। इस तरह से आप बड़ी से बड़ी समस्या को आसानी से सुलझा सकते हैं, क्योंकि आप किसी भी समस्या से बहुत बड़े हैं। नेक्स्ट, साहसी, मुझे डरने की कोई बात नहीं है। एनिलोर रूजवेल्ट ने एक बार कहा था, हर उस अनुभव से आपको शक्ति, साहस और आत्मविश्वास मिलता है जहां आप रुक कर डर का सामना करते हैं और उससे निगाह मिलाते हैं। दोस्तों, जिस डर से आप डरते हैं उनमें से 92% कभी सच नहीं होता, सिर्फ 8% ही सच होता है। और इस 8% से बचने के लिए आपको आंखें नहीं चुराना है, आपको इस डर का सामना करना है, क्योंकि दोस्तों सभी तरह के डर को कंट्रोल किया जा सकता है। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मॉरिस शेवालियर अपने युग के महानतम कलाकार थे। करियर के बीच में एक रात मंच पर जाने से पहले उनका सिर घूमने लगा, उनका मन बहुत उलझा हुआ था, वो पूरी तरह से पराजित महसूस करने लगे थे। मॉरिस डॉक्टर से मिले और बोले, मैं हार गया हूँ। डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी कि वो एक छोटे कस्बे में
एक छोटे ऑडियंस के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करे। पर मॉरिस ने कहा कि इस बात की क्या गारंटी है कि छोटे मंच पर प्रदर्शन करने पर मेरा दिमाग ब्लैंक नहीं होगा। डॉक्टर ने कहा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आपको असफल होने से नहीं डरना चाहिए। आप दोबारा मंच पर जाने से डर रहे हैं और इस तरह खुद को बता रहे हैं कि आप खत्म हो चुके हैं, लेकिन डर कभी इतना बड़ा कारण नहीं होता कि कोशिश करना ही छोड़ दिया जाए। जब कोई बहादुर व्यक्ति डर का सामना करता है तो वह अपने डर को स्वीकार करता है और आगे बढ़ता है। इसके बाद मॉरिस छोटे कस्बे में शो करने के लिए रेडी हो गए और हिम्मत करके शो किया। उनका प्रदर्शन अच्छा रहा। मॉरिस ने आगे कहा, मेरे खुद के अनुभव ने मुझे सिखाया, अगर आप आदर्श पल का इंतजार करते हैं तो हो सकता है कि वह पल कभी आए ही नहीं। इसीलिए दोस्तों, डरने से ना डरें, ईमानदारी से डर को स्वीकार करें और फिर इस तरह से काम करें मानो आपको डर लग ही नहीं रहा हो। नेक्स्ट, उत्साही बने, जीवन रोमांचक है। अपने मन में ये बात बैठा लें कि संसार सौंदर्य और रोमांच से भरा हुआ है। इसके प्रति खुद को संवेदनशील रखें, संसार से, इसकी सुंदरता से और इसके लोगों से प्रेम करें। अगर आप इस सलाह को मानते हैं तो आपको प्रचुर उत्साह का वरदान मिलेगा और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेक्चर के बाद एक युवा महिला ने ऑथर से मरियल अंदाज में हाथ मिलाया और धीरे से बोली, मैं आपसे हाथ मिलाना चाहती थी, लेकिन मुझे दरअसल आपको तकलीफ नहीं देनी चाहिए थी। यहाँ पर इतने सारे महत्वपूर्ण लोग हैं और मैं कोई नहीं हूँ। ऑथर बोले, आई एम मिस नोबडी, हम थोड़ी बातचीत करते हैं। उसने हैरानी से पूछा, आपने मेरा नाम लिया? और फिर बोली, देखिए मुझ में काफी हीन भावना है। ऑथर ने जवाब दिया, देखो मैं यह बात आपसे इसी वक्त कह रहा हूँ, आप ईश्वर की संतान हैं। और उन्होंने उसे सलाह दी कि वह हर दिन तनकर खड़ी हो और खुद से कहे, मैं ईश्वर की संतान हूँ। कुछ समय बाद उसी इलाके में दोबारा ऑथर लेक्चर देने गए। लेक्चर के बाद एक आकर्षक युवा महिला ने ऑथर के पास आकर पूछा, आपने मुझे पहचाना? मैं पुरानी मिस नोबडी हूँ। उसका उत्साही अंदाज और उसकी आंखों की चमक उसमें हुए परिवर्तन को बयां कर रहे थे। यह घटना एक महत्वपूर्ण सच्चाई का प्रमाण है। आप बदल सकते हैं, कोई भी बदल सकता है, और नीरस नोबडी भी उत्साही समबड़ी बन सकता है। अगर आप भी उत्साही बनना चाहते हैं तो ये तीन स्टेप को फॉलो करें। नंबर वन, दिन की सही शुरुआत करें। नंबर टू, आध्यात्मिक बुक पढ़ें। नंबर थ्री, अपने लाइफ से प्रेम करें। नेक्स्ट, शांतिपूर्ण, मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके दिमाग में जो भी चीज चलती है आपका शरीर उसके प्रति संवेदनशील होता है। अगर आपके दिमाग में चिंता रहती है तो इसका आपके शरीर के सभी अंगों पर विनाशकारी प्रभाव हो सकता है। यह इस तरह से होता है, चिंता का एक विचार चेतना में एक हल्की सी लकीर बना देता है। बार बार दोहराए जाने पर यह विचार गहरा होकर डर या चिंता की नहर बन जाती है। इसके बाद आपके मन में जो भी विचार आता है लगभग हर विचार चिंता के रंग में डूबा होता है। फलस्वरूप आप भयभीत इंसान बन जाते हैं और हमेशा चिंता करते रहते हैं। इस प्रक्रिया के जरिए आप एक ऐसा मानसिक परिवेश बना देते हैं जिसमें चिंता फलती फूलती है और अंततः आपके पूरे जीवन अनुभव पर कब्जा कर लेती है। ठीक इसके विपरीत अगर आप हमेशा पॉजिटिव रहते हैं तो आपके साथ हमेशा सब अच्छा ही होगा, क्योंकि आपका नजरिया ही तय करता है कि आप खुशी होंगे या दुखी। दोस्तों, हेनरी फोर्ड ने कहा था, सर्वश्रेष्ठ में विश्वास करें, अपना सर्वश्रेष्ठ सोचें, अपने सर्वश्रेष्ठ के लिए लक्ष्य बनाएं, अपने सर्वश्रेष्ठ से कम के साथ कभी संतुष्ट ना हो, अपने सर्वश्रेष्ठ की कोशिश करें और लंबे समय में परिस्थितियां भी सर्वश्रेष्ठ देगी। इसलिए दोस्तों, हमेशा सर्वश्रेष्ठ पर ध्यान केंद्रित करें। नेक्स्ट, आत्मविश्वासी, मैं बदलकर बेहतर बन सकता हूँ। जब कोई परिवार प्रेम और आपसी सम्मान के माहौल में रहता है, इसके फलस्वरूप एक सुखद अवस्था उत्पन्न होती है। लेकिन जब गलतफहमी और संघर्ष की वजह से पारिवारिक माहौल गड़बड़ हो जाता है तो एक अस्वस्थ अवस्था उत्पन्न होती है। यदि आपके परिवार का माहौल ऐसा नहीं है तो याद रखें, आप में अपनों और अपने परिवार का जीवन बदलने की शक्ति है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक 18-19 साल का युवक था जो मॉडर्न था। वो अपनी पीढ़ी को छोड़कर बाकी सबके प्रति विद्रोही और तिरस्कारपूर्ण नजरिया रखता था। उसके माता पिता उससे नाराज थे। पीढ़ियों के बीच की खाई ज्यादा चौड़ी हुई, परिवार बिखरने लगा और पूरे घर का माहौल दुखद हो गया। फिर इस लड़के को ईश्वर के साथ एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव हुआ, जिसके फलस्वरूप उसने निर्णय लिया कि संसार की सभी समस्याओं का हिस्सा बनने के बजाय वह इसके समाधान का हिस्सा बनेगा। वह अपने विचारों पर अटल था, लेकिन अब वह दूसरों की राय का सम्मान करने लगा और उसने परिवार में प्रेम का
शुरुआत किया। वह अंदर से प्रसन्न व्यक्ति बन गया था, जिसके परिणाम स्वरूप उसका परिवार ज्यादा गहरे स्तर पर एक दूसरे से जुड़ गया। उसने दूसरों में परिवर्तन को प्रेरित किया, जिससे परिवार एक इकाई बन गया जहाँ हर व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम करता था और एक दूसरे का सम्मान करता था। नेक्स्ट, अपनी नौकरी का आनंद कैसे लें? ये वो बोनस टिप्स हैं जो मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था। यदि कोई इंसान अपना जीवन बदलना चाहता है तो शायद उसे नौकरी बदलनी होगी। नौकरी बदलने के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट तरीका तो ये है कि आप इस समय जो नौकरी कर रहे हैं उसे छोड़कर दूसरी नौकरी कर लें। लेकिन यदि आप ये करते हैं तो यह आप मान कर चल रहे हैं कि आप अपनी प्रेजेंट जॉब में जिन चीजों को नापसंद करते हैं वे सभी नई नौकरी में नहीं होगी, और नई नौकरी में हर चीज सिर्फ अच्छी होगी, जो कि हमेशा सच नहीं होता। मानव स्वभाव का एक नियम है जिसे ध्यान में रखना होता है। आप जहाँ भी जाते हैं खुद को कैरी करते हैं, आप कभी खुद से दूर नहीं जा सकते। इसीलिए जब आप पुरानी नौकरी से नई नौकरी में जाते हैं तो आप खुद को भी साथ ले जाते हैं। इसका मतलब यह है कि पुरानी नौकरी में आप में जो कमजोरियां और गलत नजरिए थे वे नई नौकरी में भी रहेंगे। इसीलिए नौकरी बदलने का दूसरा तरीका खुद को बदलना है, और ये प्रेजेंट जॉब के अंदर किया जा सकता है। ऐसे एग्जांपल से समझते हैं। एक आदमी ने ऑथर से अपनी नौकरी के बारे में सलाह ली। उसने कहा कि इसमें कोई अवसर नहीं है, वह इसे छोड़कर किसी दूसरे क्षेत्र में जाना चाहता था। ऑथर ने उसे नौकरी बदलने का फर्स्ट विचार बताया। फिर ऑथर ने एक सफल प्रगतिशील व्यक्ति का नाम का जिक्र किया। क्या आप सोचते हैं अगर आपकी वर्तमान नौकरी मिस्टर स्मिथ के पास होती तो वे क्या करते हैं? उसने एक मिनट तक सोचकर कहा, देखिए मुझे यकीन है कि वो इसे सफल बना देते। वे हमेशा हर चीज को सफल बना देते हैं। हाँ, लेकिन वो इस नौकरी में सफल कैसे होंगे, वो क्या करेंगे? इस पर उसने जवाब दिया, मैं नहीं जानता कि वे क्या करेंगे। ऑथर ने कहा, देखिए क्यों ना कुछ दिन यह सोचने की कोशिश करें कि बेहद सफल मिस्टर स्मिथ इस नौकरी में क्या करेंगे, फिर आप भी वही कर दें। कुछ दिन बाद वह काफी बेहतर नजरिए के साथ लौटा। उसने कहा कि मिस्टर स्मिथ जो करेंगे वह करने का एकमात्र तरीका है कि मैं मिस्टर स्मिथ जैसा बहुमुखी व्यक्ति बन जाऊं। वे सकारात्मक विचारक हैं। लगता है मुझे सकारात्मक सोच का अभ्यास शुरू कर देना चाहिए। प्रोत्साहन पाने पर उसने अपने नए मानसिक नजरिए का अनुसरण किया और खुद पर काफी सृजनात्मक मेहनत की। नौकरी में उसका प्रदर्शन बेहतर हो गया। अपनी वर्तमान नौकरी में ही खुद को बदलने से उसे नई नौकरी मिल गई। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching.